ठीक है हमारी, हाँ जी, ये आज जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये हमारी एक एल्बम बन रही है, म्यूजिक एल्बम हिंदी की, उनकी सिंगर जो है निरुपमा डे हैं और मेल हैं जावेद अली जी, अंदर स्टूडियो में भी उनका रिकॉर्डिंग चालू है और उसकी जो वीडियो हमारी बनेगी इनके लिए हमने शेरियाज जी को सेलेक्ट किया है, इनके साथ में हमारी एल्बम बनेगी, फिर हम एक अच्छे स्केल में उसको रिलीज़ करना चाहते हैं इस फिल्म इस वीडियो को। मैम आप वीडियो में काम करने वाले हो, अपना बताइए किस तरह से काम करेंगे इसमें। जी बेसिकली दिस इज़ अ रोमांटिक सॉन्ग और मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी शूटिंग इन तमिलनाडु, सो वो एक रोमांटिक लोकेशन टाइप ऑफ लोकेशन है, तो अच्छी लोकेशन है तो वहाँ पे हम इसे रोमांटिकली शूट करेंगे और बाकी अभी लीड एक्टर तो सेलेक्ट हुआ नहीं है, उसका कास्टिंग अभी ऑन है, तो जब हो जाएगा तब पता चलेगा आगे क्या करना है क्या नहीं करना है। मैम आप इसमें जो है गाना गा रहे हैं उसके बारे में बताइए। जी गाना रोमांटिक है और बहुत अच्छे से उस्मान खान ने इसको बनाया है और दानिश शबरी जी ने बहुत अच्छा लिखा है और जावेद जी ने इसमें चार चांद लगा दिया है और साथ में मैं भी गा रही हूँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हुई है गाने के लिए और अभी हमारा शूटिंग भी बाकी है और श्रेया जी हमारी हीरोइन है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। ये हमारे तुली सर जो हैं, हमारे प्रोड्यूसर हैं, इन्होंने हमको सिलेक्ट किया है इस गाने के लिए, तो मैं तुली सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहूँगी मुझे सिलेक्ट करने के लिए। सर मैम को आपने गाने की सुना है, क्या इनमें क्या ऐसा देखा आपने जो नहीं? देखिए मैं टेक्निकल तो बंदा नहीं हूँ लेकिन कान से इन हूँ, इनका मैंने गाना एक जगह सुना था तो मुझे इनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि इनकी एल्बम बनाएंगे और इनका जो कॉम्बिनेशन है, फिर हमको सिंगर कौन सा मेल अच्छा लगना चाहिए, तो जावेद जी से बढ़िया कोई था नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, इसके वजह से मुखड़ा है रब्बा रब्बा ये क्या हो गया, देखते देखते मेरा दिल खो गया, तो ये बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग है, इसके लिए इसको मैंने डिसाइड किया कि इसको हम लोग शूट भी करेंगे कोडिकनाल तमिलनाडु में जाके, वहाँ हिल स्टेशन है, ये पूरा वहीं शूट किया जाएगा। तमिलनाडु में सर आप शूट करें, क्या वजह है तमिलनाडु में शूट करें? वजह ये है कि मैं बेसिकली तमिलनाडु में ही ज़्यादा फाइनेंसिंग करता हूँ तमिल मूवीज़ को, तो वहाँ की सारी मेरी बेस है, हमारा यूनिट भी वहीं रहता है, मेरे बहुत सी पिक्चर को फाइनेंस किया है, तो उस हिसाब से वहाँ का लोकेशंस वगैरह, कोडिकनाल में हमारी दो पिक्चरें मैंने बनाई थी, एक कलगू पिक्चर थी बहुत हिट हुई थी तमिल मूवी, वो पूरी शूट हमने कोडिकनाल में की थी, तो शायद वो प्लेस मेरे लिए लकी भी है, वहाँ की जहाँ भी हमारी शूट होती है वो हमारा हिट हो जाता है, तो ये गाना भी सोचते हैं कि वहाँ शूट किया जाए और हिट हो जाए। सर जैसे कि आपने कहा कि शूट पूरा तमिल में किया, किस वजह तमिल में किया है, क्योंकि आपने पहले कहा कि तमिल में आपके काफ़ी सुपर पिक्चर है वहाँ पे? नहीं, पहले इसको हम लोग हिंदी में ही रिलीज़ करेंगे और जैसा रिस्पांस मिलेगा, अगर रिस्पांस बहुत अच्छा मिल गया, मिलना चाहिए मेरे हिसाब से, गाना बहुत अच्छा है, रोमांटिक सॉन्ग है, तो उसके बाद हम इसको तमिल में करेंगे तेलुगू में करेंगे। मैडम जैसे कि रोमांटिक ये सॉन्ग है तो कितना चैलेंजिंग रहा रोमांटिक सॉन्ग, इसका भी बताएंगे, चैलेंजिंग रहा या आसान रहा? रोमांटिक रोमांस इज़ बेसिकली द मोस्ट ईजीएस्ट इमोशंस, तो ये तो ईजी रहेगा, बाकी देर आर मैनी मोर इमोशंस जो टफ होते हैं, तो रोमांस इज सर क्या कहना चाहेंगे आप, आपके साथ में लीड रोल सिंगर सर साथ में है सर अरुण जी की ये पिक्चरें वगैरह गाने वगैरह देखते हुए मेरे को थोड़ा अच्छा लगा, इनका इन्वेस्टमेंट अच्छा है, काम भी अच्छा है, ये देख के मैं भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ सर, तो सर गानों में अरुण जी का ये प्रोग्राम देख के मेरे को अच्छा लगा है, इसलिए मैं भी इनके साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, ये सब प्रोग्राम मेरे को अच्छे लग रहे हैं, इसलिए मैं भी इसमें जुड़ना चाहता हूँ, इसलिए इनके साथ आया। जैसे कि गाने का जो बोले रब्बा क्या है, कितना बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सॉन्ग, बहुत अच्छी सॉन्ग है, ये सुन के मेरे को लगा मैं भी इनके साथ काम करना चाहता हूँ, इसलिए इनके साथ में जुड़ा हूँ। कुछ गोल बनवा देंगे साथ में अगर जरूर बना देंगे। रब्बा मेरे रब्बा ये क्या हो गया, देखते देखते मेरा दिल खो गया, रब्बा मेरे रब्बा ये क्या हो गया, देखते देखते मेरा दिल खो गया।
पूरा गाना आप लोग बाद में सुन लेना अभी गाऊंगी तो। इसमें हम जिन्होंने कंपोज किया है उनके बारे में भूल गए बताने के लिए, उस्मान भाई हमारे यहाँ जिन्होंने इसको गाने को कंपोज किया है और दानी जी ने लिरिक्स लिखे हैं। बहुत खूबसूरत है। इवन जावेद जी भी अंदर ने जब डबिंग रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ये दिस इज द बेस्ट कंपोजिशन। वेरी वेरी फैंटास्टिक। कंप्लीट हो गया सर। अभी देखिए अभी गाना तो रिकॉर्ड आज हो गया है, दो दिन मिक्सिंग ही लगेगी एंड वी प्लान टू शूट आफ्टर 28th February फर्स्ट वीक ऑफ मार्च इन कोडिकनाल। तो जिस हिसाब से गाना का बोल है जी वीडियो उस हिसाब से या कुछ अलग? नहीं उसी हिसाब से बनेगा, इस जैसे बताया रोमांटिक है तो इसके लिए वो लोकेशन भी हमने वही चूज़ की है तो वो हिसाब से वहाँ पहाड़ों वगैरह में वादियाँ। आप तो हाइट में लंबी हो पहाड़ पे तो फिर हीरो इनसे लंबा। इसके लिए हम जो हीरो है ना हीरो भी सर्च कर रहे हैं जो कि 6'2" कम से कम हो क्योंकि 5'8" 5'9। अभी मैंने फिलहाल अमेजोन की 3 वेब सीरीज़ की है जो अभी ऑन रिलीज है, शूट कंप्लीट हो चुकी है, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। बाकी मैंने जी म्यूज़िक के इससे पहले भी 2 सॉन्ग्स किए हैं और अभी मोस्ट प्रोबेबली सर के साथ आगे एक तमिल मूवी कर रही हूँ तो अभी तो इतना ही है। सर इट्स अ ब्यूटिफुल रोमांटिक सॉन्ग जिसे कंपोज किया है उस्मान भाई और ये काम बहुत किया है लेकिन ऐसे घराने से हैं जिनका सिर्फ जो सिर्फ म्यूज़िक में ही डूबे रहते हैं, ये ऐसे परिवार से हैं और मैं मुझे बड़ा अच्छा लगा ये गाना गा के, बहुत ही सूदिंग बहुत ही रोमांटिक गाना है और बहुत ही अच्छा कंपोज किया गया है और मेरे साथ में निरुपमा जी ने गाया है ये गाना और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोगों ने इसको इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें ट्राई की हैं और गाना बहुत अच्छा बन के आया है, निखर के आया है और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये गाना आपको इतना टाइम तो लगता नहीं फिर इतना टाइम लग गया मतलब गाने में? मैंने एक्चुअली देखिए क्या होता है आर्टिस्ट किसी गाने को ज़रा जब ज़्यादा चाहने लगता है ना तो ये सोचता है कि इसमें ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, तो इस गाने से मुझे प्यार हो गया था गाते गाते तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से भी हो सकता है। मैंने गा लिया था गाना 1.5 घंटे के अंदर लेकिन फिर उसके बाद में मेरा दिमाग क्रिएशन दोबारा कुछ आया कि ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है ऐसा भी हो सकता है तो उसमें टाइम लग गया और मेरे ख्याल से काम में टाइम लगाना चाहिए, ऐसा फर्स्ट फटाफट नहीं करना चाहिए। जब आप काम में टाइम लगाते हो और उसको अच्छे से करते हो तो फिर उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। सर आप म्यूजिक में घुसे हुए हैं तो जावेद भाई कितना खुश भाई? जावेद भाई तो मैं आपको बताऊं कि जावेद भाई तो म्यूज़िक की जो है ना मतलब वो मतलब वहाँ पहुँच चुके हैं कि हमारा पहुँचना भी बहुत ही मतलब शायद हम नहीं पहुँच सकते वहाँ पर। क्या आपने बात की? और जावेद भाई यकीन मानिएगा ये जो जावेद भाई ने मेरे कंपोजिशन की तारीफ़ की है मैं समझता हूँ कि कंपोजिशन ये बहुत ही एक नॉर्मल है फ्रैंकली स्पीकिंग लेकिन जावेद भाई ने इसको गा के जो है ना इसमें 4 चांद लगा दिए। इनकी आवाज़ ने जो है ना इसमें जो फील डाला है और जिस तरीके से इन्होंने गाया है और यकीन मानिएगा ये हकीकत बात है जो आपने पूछा है कि आपको इतना टाइम नहीं लगता है आपने इतना टाइम दिया है, ये एक्चुअली इनका बड़प्पन भी है इनका मेरे प्रति जो है ना वो प्यार भी है और हम एक ही परिवार से हैं जी जी बिल्कुल क्योंकि ये भी ख़ानदानी है और हम भी ख़ानदानी हैं बिल्कुल तो हमारा सब म्यूज़िक में ही हम लोग पले हैं। तो जावेद भाई का ये मेरा गाना नहीं है जावेद भाई का गाना था और मैंने जो फीमेल सिंगर की जहाँ तक बात आती है जब मैंने निरुपमा जी जो हैं जब मैंने इनको सुना इनकी आवाज़ तो मुझे लगा कि एक बहुत ही प्यारी एक फ्रेश आवाज़ मुझे मिल रही है तो ऊपर वाले क्रम से लेकिन ये आगे जाके जो हंगामा करेगी आवाज़ तो आप देखेंगे। निरुपमा जी बहुत अच्छा गाती हैं और उनकी आवाज़ बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है
थैंक यू जावेद जी, अभी आपके बारे में मैं क्या बोलूँ, दुनिया जानती है। सर म्यूज़िक जो लोग प्यार करते हैं, और क्या होता है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं कि लोगों के जो म्यूज़िक जानने वाले होते हैं उनको ज़्यादा पसंद आते हैं, लेकिन ये गाना मास को भी पसंद आएगा और म्यूज़िक जानने वालों को भी पसंद आएगा, दोनों को पसंद आएगा। जावेद जी, जैसे कि गाने का बोल है रब्बा और रब्बा और रोमांटिक सॉन्ग है, तमिलनाडु में शूट किया गया है, शूट किया जाएगा तो जरा एक गुनगुना देंगे और रोमांटिक सॉन्ग रब्बा के साथ में गुनगुना देंगे ठीक है, थोड़ा सा गुनगुना देते हैं, वैसे हम रिवील नहीं करना चाहते गाने को क्योंकि जब पता चल जाता है ना, हाँ दैट विल बी इशू, मतलब वो अभी नहीं, उसको रिवील नहीं कर सकते। ओके, तो हाँ मैम आप क्या कहेंगे जावेद जी के साथ में, आपने जो गाना गाया है क्या कहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत ही अच्छा, अभी जावेद जी के साथ मुझे गाने का मौका मिला, यही मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली निरुपमा जी के साथ मुझे गाना गाने का मौका मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। सर आप कहेंगे? सर मैं जावेद भाई के बारे में जितना बोलूं उतना कम है, फ्रैंकली स्पीकिंग। ये इन्होंने जब मैंने गाना इसको कंपोज किया था तो डे वन से मेरे दिमाग में सिर्फ जावेद भाई थे, और जब मैंने इनको कॉल किया, और ये बहुत बिजी, एक्चुअली आज की तारीख में आपको मालूम है कि जावेद भाई बहुत बिजी हैं, शुरू से ही बिजी हैं, लेकिन माशाल्लाह अभी जैसे डे बाई डे जैसे सारे नहीं शुरू से ही आप बिजी हो, टचवुड। और अभी जो है, और पुष्पा का एक बहुत बड़ा गाना हिट हुआ है सर, ट्रेंडिंग में है वो, शिवली, हाँ ये मैडम ने बता दिया है। तो जैसे जावेद भाई ने बोला कि मैं पूरे महीने, मैं उस्मान भाई नेक्स्ट मंथ कर पाऊँगा आपको गाना डब, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया, लेकिन फिर इन्होंने कहा कि नहीं नहीं ये हमारा घर का गाना है, तो मैं एक कोई किसी की डेट जो है ना स्किप करता हूँ और फिर आपको बोलता हूँ। ये सच्ची बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये हकीकत बात है नहीं, वो हकीकत ही बता रहा हूँ मैं, जो और जो मेरी इनसे बात हुई है। और इन्होंने मुझे जब बोले पहले हमारी कुछ डेट एक चेंज भी हुई है, वो इनकी वजह से ही हुई है। मेरी वजह से, बिकॉज ये बहुत बिजी हैं टचवुड, और मेरी दुआ है कि ऊपर वाला इनको हमेशा ऐसे ही बिजी रखे और ज़्यादा बिजी करे, क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं इस चीज़ को, जो इनकी क्वालिटी है, जो क्रिएटिव माइंड है ये, तो ये डिज़र्व करते हैं, ये जो अल्लाह ने इनको इज़्ज़त दी है। तो मैं दुआ करता हूँ ऊपर वाला इनको और 10,000 गुना ज़्यादा इज़्ज़त दे। और निरुपमा जो है वो बहुत ही अच्छी सिंगर है, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने भाई निरुपमा को देख के, मैंने उसकी आवाज़ देख के उसकी उसको जो है ना चुना है, और मेरा यह वादा है आप लोगों से कि यह आवाज़ जो है ना एक दिन बहुत हंगामा करेगी। सर आपके बाजू में भी हॉट लड़की बैठी है, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये लड़की बहुत अच्छी एक्ट्रेस है सर, ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, और हमारी साथ में हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, हमारी साथ में ये जुड़ी हुई है, और इंशाल्लाह ये एज ए एक्ट्रेस जो है ना हमारी साथ में कर रही है, तो और बहुत ही इनका जो मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं, इनका परफॉर्मेंस, और ये बहुत अच्छी डांसर हैं और बहुत अच्छी एक्टिंग भी करती हैं। एक फिल्म और मैं कर रहा हूँ, उसका नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी फिल्म है, उसमें ही ये भी जुड़ी हुई हैं, ये भी कर रही हैं उसमें, तो मेरी गुड विशेज़ इनके साथ में है सर। मैम आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर ये कॉम्पोजिशन ऐसे मार्केट में आग लगा देगा, मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी, इतना अच्छा कॉम्पोजिशन अभी पिछले 10 साल में तो नहीं आया इंडस्ट्री में, सॉन्ग इंडस्ट्री में। सो इट्स अ फैबुलस सॉन्ग, और जावेद सर के सॉन्ग तो मैं कब से सुन रही हूँ, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ जावेद सर, जब दीवाना कर रहा है तेरा रूप सुनहरा तू ही हकीकत खाब तू, तो इट इज़ अ प्लेजर टू वर्क विद हिम। सर आप बड़े बड़े सिंगर बैठे हुए हैं, अब क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम तो उनका शुक्रिया करना चाहेंगे कि हमारे जैसे छोटे प्रोड्यूसर के लिए उन्होंने यहाँ नहीं सर, ऐसा ऐसी बात नहीं है, छोटे नहीं है सर। और मैं तो ये इनसे फिर निवेदन करूँगा कि ये गाना तो हिट होने वाला ही है, हम इसको
पिक्चराइज भी बहुत अच्छी तरह जावेद भाई करने वाले हैं। कोडी कनाल में जाके इसको पिक्चराइज करने वाले हैं। कहाँ पे करने वाले? कोडी कनाल तमिलनाडु, तमिलनाडु स्टेशन, वहाँ इसको कोडी किससे रोमांटिक सॉन्ग ना, तो एक बीजी नए इसको बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो जब ये गाना हो, जोड़ी आपकी हिट होने वाली है, तो दोबारा भी हमारे को अपना समय जरूर देना हमारे गाने के। जरूर जरूर सर। क्या बोल रहे आप उस्मान भाई और दानिश भाई ने जो हमारा ये, और दानिश भाई ने इतना अच्छा लिखा है, दानिश साबरी जी ने, वो बहुत लाजवाब काम करते हैं, हिट पे हिट गाने देते रहते हैं, और ये गाना भी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है दानिश भाई ने, लाजवाब। सर दानिश साबरी वो है, मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, गलत बात है, हट जा बाजू से तेरी भाभी खड़ी है, और उसके म्यूजिक कंपोजर भी हमारे साथ में अभी यहीं बैठे थे, जावेद मोहसिन, और वो जावेद मेरा भतीजा भी है, तो मतलब अब क्या उनकी तारीफ करूं। तो ये दानिश साहब जो है वो बहुत अलग हटके एक लिरिक्स राइटर हैं, उनकी एक सोच ही अलग है, तो जो भी गाना उन्होंने लिखा है आज तक वो सारे हिट हुए। कमर्शियल एंगल बहुत रहता है उनका लिखने में, और पोइट्री में रिचनेस रहती है, रिचनेस रहती है एंड प्लस कमर्शियल एंगल भी रहता है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा लिखते हैं। सर अभी तो गाने रिलीज ही हो रहे हैं, अभी सब धीरे एक एक के बाद एक रिलीज होते ही रहेंगे, अभी कुछ गाने कुछ साउथ के भी लोग हिंदी में जो कर रहे हैं, लाइक पुष्पा जैसे रिलीज हुई है ना, तो उसके बाद में वहाँ के लोग ना वहाँ की जो फिल्म्स हैं उसको हिंदी में कर रहे हैं, तो वैसे बहुत सारे गाने हैं, प्लस यहाँ के हमारे बॉलीवुड के कुछ गाने अभी धीरे धीरे फिल्मों का काम शुरू हो रहा है वो कर रहे हैं, प्लस सिंगल्स बहुत रिलीज़ हो रहे हैं अभी, तो अभी कल भी कुछ रिलीज़ हुआ, खुशामदीद करके एक सिंगल रिलीज़ हुआ, फिर कल एक और रिलीज़ हुआ, वैलेंटाइंस डे पर एक रिलीज़ हुआ, फिर 18 तारीख को कुछ रिलीज़ हो रहा है, 16 को भी कुछ रिलीज़ होगा कल, वैसा रिलीज़ हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि हम लोग कोविड से भी काफ़ी हद तक बाहर आ गए हैं, और आ जाएँ हम प्रे करेंगे, तो धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें, प्लस मेरे इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स भी मैं कर रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी है, वो भी पाइपलाइन में है, मैंने एक गाना कंप्लीट किया है विच इज़ सरप्राइज़, जो मैंने एक ख़ास चीज़ के लिए किया है, और एक गाना एक और मैंने कंप्लीट किया है मेरे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, वो भी अभी आपको सुनने को, वो भी कंप्लीट हो गया है, सिर्फ शूट करना बाकी है, तो ये सारी चीज़ें सब चल रहा है। देखिए अभी कैसा हो गया ना कि आफ्टर श्रीवल्ली मेरा एक जो पुष्पा का जो गाना है ना, उसके बाद में मेरा एक अलग अंदाज बना है, आप ये कह सकते हैं कि मेरी एक सेकंड स्टार्ट हुआ है मेरा, तो कुछ महीनों पहले या कुछ दिनों पहले ना मुझे कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा टाइपकास्ट जैसा कर दिया गया था कि आज जावेद अली जी तो सूफी गाने गाते हैं और इस तरह का ना, जबकि मैंने आप देखें जश्न बहारा भी, गुजारिश क्या कहते हैं, तुम तक, तुम मिले, तू ही हकीकत, आ जाओ मेरी तमन्ना, इश्क ज़ादे, दावत इश्क, और तू जो मिला, और बहुत सारे गाने मैंने रोमांटिक गाए, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक ये हो गया था कि सूफी गाने गाएंगे तो जावेद अली गाएंगे, बट इससे अभी मैं मोस्टली सारे रोमांटिक गाने गा रहा हूँ, पिछले एक महीने में जितने भी मैंने गाने गाए हैं वो सब रोमांटिक गाने, और वो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो आई एम सो हैप्पी कि ना मेरा एक मैं जो चाहता था वो मुझे मिल रहा है, और मैं शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले को। आपके पसंद के गाने का कोई दो लाइन? मेरी पसंद के गाने का, चलो ठीक है श्रीवल्ली सुना देता हूँ मैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नजरें मिलते ही नजरों को नजरों से जुड़ाए, कैसी यह है तेरी जो तू पलकों को झुकाए, तब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली ने नाम दक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा दानिश, तिहाई के बाद में सम आता है, तो अब सम पे आ गए हम। ये तिहाई के बाद सम है,
और अभी गाने बहुत कम है। क्या बात ये है, लिरिक देखो, लड़ाई के बाद सम है और लेकिन गाने बहुत कम है। ये एक्चुअली क्या है सर, ये दारिया है। हमने जितने भी गाने किए, जावेद के साथ गाना किया गलत बात है, वो बहुत बड़ा हिट गाना हुआ, मैं तेरा ही रोगा, जावेद ने कमाल गाया था। मेरी जान तेरा ही मुस्कुराना, मेरी जान तेरा, वो गलत बात है। अपने आशिक को संकट में लाना, तो गलत बात है। दावत इश्क, हाँ दावत इश्क। फिर उसके बाद नैना लड़ेगे लड़े, नैना लड़ेगे लड़े रह गए, सलमान भाई के लिए गया, नैना लड़ेगे लड़े रह गए, और रब्बा मेरे रब्बा उस्मान भाई के लिए गया, रब्बा मेरे रब्बा। सलमान भाई के पास सीधा उस्मान भाई के साथ जाऊँगे जी। ये इनका बड़प्पन है, प्यार है, यकीन मानिएगा ये इतने बिजी हैं कि इनको गाना लिखने की फुर्सत नहीं है। लेकिन जब मैंने इनको बोला तो मेरे लिए इन्होंने इतना टाइम दिया है, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जावेद भाई का और दानिश का, कि क्योंकि इतना बड़ा नाम है, जैसे कि मैंने नाम गिनवाए हैं, और मेरे मतलब मेरे फेवरेट सॉन्ग है वो। मैं तो सुपरमैन, सलमान का फ़ैन, तेरा ध्यान किधर है कि तेरा हीरो इधर है, हट जा बाजू से तेरी भाभी खड़ी है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, और दावत इश्क के, और बहुत सारे दबंग के जितने भी सारे गाने हैं, टचवुड आज इतने गाने लिख चुके हैं, और लिखने की बात अलग है लेकिन सारे के सारे हिट है। तो दानिश भाई की ये तारीफ़ है बस। दानिश जी, तो उस गाने के अंदर ही गलत बात थी और ये मतलब बाकी नई रूपलाइन दे दी है, सही बात भी करनी पड़ेगी। देखो एक बात तो सीधी सी है, गलत बात जो है वो लोगों को ज़्यादा पसंद आती है, सही बात थोड़ा देर से बदल, देर से समझ में आती है, थोड़ी देर में करेंगे सही बात, अभी तो गलत बात चलने देते हैं। ओके थैंक यू, थैंक यू सर। सर मेरे को मुजफ्फ़र बोलते हैं, मोहम्मद मुजफ्फ़र नाम है मेरा, और मीडिया के लिए मैं नया नाम नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपने इंट्रोडक्शन पूछा तो बता दूँ कि मैं पहले खुद जो है मीडिया से जुड़ा हुआ था, और अभी प्रोडक्शन कर रहे हैं, प्रोडक्शन से जुड़ा हूँ, और हमारे प्रोडक्शन में एक गाना भी बनने जा रहा है जिसमें मैडम जो है आपके साथ, हमारे साथ मतलब काम कर रही हैं, और एक गाना हमारा जो है अभी रिलीज़ पे है, जो गाना आज रिकॉर्ड हुआ है उसका बहुत जल्दी हम शूट करेंगे। जैसा अभी पिछले इंटरव्यूज़ में आपने सुना कि हम लोग ये गाना जो है चेन्नई में मतलब तमिलनाडु में कोडाईकनाल में जाके शूट करने वाले हैं, ऐसे और भी गाने हैं जो हम आगे शूट करने वाले हैं, अभी हमने बस शुरुआत की है, पहला गाना हमने ये आज रिकॉर्ड किया है, उसकी इसका आगाज़ समझिए आप अभी। और अभी अभी आपने जावेद अली साहब को सुना, सर जावेद अली साहब से आप बात कर रहे थे, साथ में हमारे साथ निरुपमा डे थी जो हमारी सिंगर थी, आपने मैडम से बात किया, श्रेया शुक्ला जो है हमारे साथ अभी जो है ये गाने में फ़ीचर करने वाली हैं, और आगे और भी ऐसे कुछ गाने आने वाले हैं जिसमें ये फ़ीचर कर रही हैं, और अलग म्यूज़िक डायरेक्टर्स, अलग सिंगर्स के साथ और भी गाने अभी हमारे तैयारी में। ये प्रोडक्शन जो है अभी ये गाना अरुण फिल्म्स एंटरटेनमेंट के बैनर पे बन रहा है, उसके अलावा और भी कुछ अच्छे गाने इसी बैनर के अंडर में बन रहे हैं, कुछ अच्छे बड़े सिंगर्स के, जावेद अली जैसे सिंगर्स के साथ लेकर के, और कुछ 6-7 गाने अभी लाइनअप में हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली इस मंथ के अंदर, इस मंथ के एंड तक आपको हम और इन्फॉर्मेशन देंगे इसी तरह की, इसी तरह की गानों की और भी इन्फॉर्मेशन देंगे, और अच्छे गानों की। और हमने ये ट्राई किया है अरुण जी के साथ के आने वाले टाइम में हम आपको जो है बहुत अच्छे रोमांटिक सॉन्ग, बहुत अच्छे डांस नंबर और बहुत अच्छे सैड रोमांटिक सॉन्ग देंगे, कोशिश हमारी यही है। बाकी आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का साथ रहेगा तो गाना बहुत कम में बहुत कुछ कर जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जब हमसे जुड़े हुए हैं तो आप जो है आगे हमारा सपोर्ट करें, हमारे लिए इस गाने को जितना ज़्यादा प्रमोट कर सकें प्लीज़ प्रमोट कीजिए। फिल्म्स का अभी देखिए, जब हम फिल्म्स के बारे में बात करेंगे, जब हम फिल्म्स के लिए काम शुरू करेंगे तो आपको फिल्म्स का इन्फॉर्मेशन भी देंगे, हैं पाइपलाइन में कुछ फिल्में हैं। अब वो फिल्म आप जो टॉपिक आज हमारे पास है अगर हम उसको करेंगे कवर, उसके बाद हम फिल्म्स की बात भी करेंगे, और फिल्म्स आपको अच्छे और बड़े लेवल की फिल्म बताएंगे। मतलब नॉर्मली बहुत सारी फिल्में बनती हैं, आप तो खैर डेली इन सब चीज़ों से वाकिफ हो, लेकिन फिर भी हम आपको इससे अच्छी फिल्में और अच्छे आर्टिस्टों के साथ हम आपको दिखाएं, और आपको उस हमारे साथ इंटरव्यू लेके मज़ा आएगा। सर रब्बा मेरे रब्बा से कैसे जुड़े आप? सर रब्बा मेरे रब्बा एक्चुअली हमारा अपना ही सॉन्ग है, ये जो है हम लोग एक थॉट दिमाग में आया कि गाना करना है, हमारे भाई हैं बड़े भाई बशीर भाई, उनके दिमाग में एक थॉट आई, फिर अरुण जी ने बोला कि नहीं हम लोग इसको गाने में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस तरह से ये चीज़ें शुरू हुई। फिर निरुपमा जी हमारे फ्रेंड है तो वो सिंगर भी हैं, तो फिर इस तरह से धीरे धीरे
कड़ी जुड़ती गई और एक गाना आपके सामने आया और ओके थैंक यू।